नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि IRCTC की साइट से कैसे आप लोग अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में घर पे ही खुद से ही अपना तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। दोस्तों, वो भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो टॉपिक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने लैपटॉप में किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप में अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को गूगल को सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, मैं देखिए गूगल को मैं यहाँ सर्च कर ले रहा हूँ। गूगल को सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखना है IRCTC। दोस्तों, मैं IRCTC लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ देखिए लॉगिन पे ओके क्लिक कर दिया। फर्स्ट वाला ऐसा इंटरफेस आएगा। दोस्तों, फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आपको क्या करना है, IRCTC नेक्स्ट जनरेट ई टिकट सिस्टम पर आप लोग को क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैं लॉगिन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों, देखिए यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके दोस्तों, आप लोग नया नंबर से अपना आईडी और पासवर्ड दोनों बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर मेरा बना हुआ है तो मैं फिलअप कर दिया हूँ। दोस्तों, यहाँ नीचे कैप्चा कोड दिया है तो यहाँ पर कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। तो दोस्तों, मैं कैप्चा कोड को फिलअप कर दे रहा हूँ। जिस तरह दिया है दोस्तों, उसी तरह फिलअप करना है आपको। फिलअप करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ स्मॉल जी है 3। तो दोस्तों, यहाँ पर कैप्चा कोड भरने के बाद साइन इन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है फ्रॉम और नीचे लिखा है 2, यानी कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे को जाना है पूना से, गोरखपुर से पूना। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा गोरखपुर। दोस्तों, यहाँ पर GKP लिखेंगे, गोरखपुर आ गया। यहाँ पुणे लिख देंगे दोस्तों, पुणे जंक्शन जाना है मेरे को, तो पुणे जंक्शन लिख दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखना है दोस्तों, डेट आप जो डेट मंथ ईयर जो दिया है, किस तारीख को आपको जाना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तत्काल टिकट जो होता है वो एक दिन पहले बुक किया जाता है, यानी तत्काल टिकट आज बुक करेंगे तो कल आपको यात्रा करना है। तो दोस्तों, मैं कल का टिकट आज तत्काल में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, कल का मेरा 23 तारीख है, आज 22 तारीख को मैं बुक कर रहा हूँ। तो यहाँ 23/6/2022 डाल दिया। दोस्तों, यहाँ ऑल क्लासेस ओके करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को जिसमें आपको बुक करना है तत्काल टिकट उसमें करेंगे। मैं यहाँ स्लीपर में कर रहा हूँ। स्लीपर में यहाँ करने के बाद दोस्तों, यहाँ जर्नल दिया है, तत्काल दिया है, जो भी दिया है आप लोग को तत्काल में करना है तत्काल में करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ट्रेन विथ अवेलेबल, दोस्तों इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ट्रेन खाली है या नहीं खाली, यानी जगह अवेलेबल है या नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ स्लीपर पर आप लोग को क्लिक करना है। स्लीपर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए 150, यानी इसका मतलब 150 ट्रेन अभी अवेलेबल है, सीट अवेलेबल है दोस्तों, सॉरी, अभी 150 सीट अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ देखिए नीचे जो लिखा है बुक नाउ। दोस्तों, अभी टाइम हुआ नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। 10:50 यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, अभी 10 मिनट के बाद आप लोग, तो थोड़ा मैं बीच में वीडियो को रोक रहा हूँ। अभी 2 मिनट के बाद दोस्तों, आप लोग को टिकट को बुक करके दिखाऊँगा।